students. I hope you all are doing good. Let's start today's chapter: Multiplication and Division of Decimals. Focus point: Multiplication of Decimals, Division of Decimals. We have already studied the addition and subtraction of decimals. In this chapter, we will learn the multiplication and division of decimals. In previous class, we have studied decimals. Ke

स्टेप फोर पुट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट काउंटिंग नंबर ओके अब इन सारे ही स्टेप्स को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ओके सो फर्स्ट एग्जांपल इज आपको मल्टीप्लाई करना है यू हैव दिस 42.6 टू अब पहले स्टेप में क्या बोला गया है

टू फाइव फाइव सिक्स अब क्या करना है हमें Step three की तरफ बढ़ते कि number of decimal places हमें count करने given decimal में. Okay. तो इसमें आपके पास जो ओरिजिनल प्लेसेस कितने हैं? यानी के सिर्फ एक ही digit है दैट इज एक डेसिमल है अब आपका जो प्रोडक्ट आया है तो आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है प्रोडक्ट में आपको राइट right से काउंट करना है ओके okay. सो so, राइट right से काउंट करेंगे वन डिजिट के बाद यहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा ओके okay? इसी तरह से आपको जो सेकेंड नंबर दिया गया है उसको करना है ओके सो नंबर ऑफ डेसिमल 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 प्लेसेस इन गिवन इज वन वन सो पुट द द पॉइंट प्रोडक्ट आफ्टर लीविंग डेसिमल प्लेस फ्रॉम द राइट ओके अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डेसिमल प्लेस के कितने डेसिमल प्लेसेज हैं देर आर टू और हम कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद आपके दो डिजिट हैं सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज इन गिवेन डेसिमल इज टू सो वी पुट द डेमल पॉइंट इन द प्रोडक्टिंग टू डेमल आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ राइट से काउंट करना है जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा आपका वन सेवेंटी एट एंड दो आपके आएंगे ओके अब आपको राइट से दो प्लेसेस काउंट करना है ओके yeah. तो ये, okay? ये तो बात की थी हमने की होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है नाउ बाई अ To multiply a decimal by another decimal, following steps are followed. Step 1 Ignore the decimal point. Step 2 Multiply as we multiply the whole numbers. Step 3 Count the number of decimal places in the given decimal numbers. Step 4 Put the decimal point in the product, counting from the right so that the number of decimal places in the product is the same as the total number of decimal places in the given decimal numbers. If the digits are less, then place zeros on the left of the product so that number of decimal places becomes equal. Okay. अब इस question को भी जो आपको decimal को decimal से multiply करना है हम इसे example के थ्रू समझते हैं okay? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डेसिमल दोनों ही जो डेसिमल नंबर को इग्नोर करना है ओके okay? अब आप, आपको मल्टीप्लाई करना है जैसे कि हम होल नंबर्स को करते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं होल नंबर को होल नंबर से ओके अब आपको डेसिमल नंबर अब देखिए जैसे प्रोडक्ट आ गया आपका राइट सी दिस इज द प्रोडक्ट टू जीरो नाइन फोर टू जब मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करने पड़ेंगे जो आपके पास दो डेसिमल नंबर्स है ओके okay? अब आप जैसे आपके पास था 2.83 एंड दूसरा डेसिमल नंबर था 7.4 ओके okay. अब इसमें आपके कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 2 और इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1 यानी टोटल जो आपके डेसिमल प्लेसेस हैं वो कितने हो गए 2 1 3 दैट मींस आपके पास जो प्रोडक्ट है आपने राइट right से काउंट करना है और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है सी 1 2 3 अब आपका ये यहां पॉइंट आ जाएगा

तो डेसिमल प्लेसेस आपके टोटल होके जाएंगे कितने सो वी पुट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट आफ्टर लीविंग सेवन डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द राइट। सो जो प्रोडक्ट है इसमें डिजिट को काउंट करना। है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आया सेवन नाइन थ्री एट सेवन फाइव एंड डेसिमल प्लेसेस आपके कितने थे टोटल सेवन थे बट वी हैव ओनली सिक्स डिजिट तो सेवन डिजिट कैसे आएगी

If the 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 number number of of digits in the decimal part is less than the number of places to to be shifted, then zeros are put to make up the difference. अब इसको भी हम के समझते कि कैसे हम ट 10, हंड्रेड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं okay? आपको इसमें सिंपली क्या करना है पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है सिर्फ हमने डेसिमल को शिफ्ट करना होता है कैसे करेंगे देखिए आपको एक नंबर दिया गया मल्टीप्लाई दिस नंबर 2.16 इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है अब 10 में आपके हाउ मेनी जीरो ज्यादा है वन तो आपने डेसिमल को वन प्लेस राइट साइड में शिफ्ट कर देना। ओके okay? मतलब आपका टू वन एट सिक्स है ना अभी आपका एक प्लेस राइट right में शिफ्ट हो जाएगा आपका जाएगा ट्वेंटी वन पॉइंट एट सिक्स ओके और अगर हम इसको हंड्रेड से करेंगे मल्टीप्लाई तो टू पॉइंट वन एट सिक्स इंटू हंड्रेड ओके सो so, आप पहले इसको एज इट इज लिखेंगे हाउ मेनी जीरोस आर देर इन हंड्रेड टू जीरोज तो डेसिमल को देखिए आप दो डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे आपका यहाँ टू के बाद था वन प्लेस टू प्लेस यानी आपका कहां पर आ जाएगा ट्वेंटी टू हंड्रेड पॉइंट सिक्स थाउजेंड के केस में क्या होगा कि वो थ्री प्लेस आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा ओके okay? चलिए

एंड विजय को मिलता है ये अमाउंट अपने पर्सनल जो खर्चे होते हैं उसके लिए हर दिन यानी एक दिन में इतना मिलता है तो सेवन डेज में उनको कितना मिलेगा तो आपको एक दिन का एक्सपेंस दिया हुआ है कि एक दिन में कितना मिलता है सेवन डेज का निकालना तो मल्टीप्लाई कर देंगे ओके आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से इसे भी करेंगे आप क्या करेंगे सेवन से एंड देन दोनों को प्लस कर देंगे ओके या फिर आप क्या कर सकते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ये जो दोनों ही अमाउंट है इनको प्लस कर देंगे एंड देन उनको सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे राइट चलिए एक्सरसाइज देखते हैं फिलिंग ब्लैंक्स जीरो पॉइंट एट को मल्टीप्लाई किया गया है टेन से तो टेन में वन जीरो है तो आपका जो डेसिमल है एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा ओके okay? से आपका हो जाएगा जीरो पॉइंट एट था अब आपका डेसिमल यहां पे शिफ्ट हो गया

और जब जैसे कि आपका होल पार्ट का जो डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना क्वेश्चन पे चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे यू हैव टू डिवाइड 13.47 बाय थ्री ओके सबसे पहले हम ये जो होल पार्ट है द डेसिमल पार्ट है होल पार्ट को डिवाइड करते हैं 3 4 12 वन अच्छा देखिए इसके बाद हमारा डेसिमल पार्ट शुरू हो रहा है राइट right? तो आप क्या करेंगे यहाँ डेसिमल लगा देंगे क्वेश्चन में ओके okay? देन आप नेक्स्ट डिजिट को थ्री फोर अगेन ट्वेल्व थ्री ट्वेंटी सेवन ओके सो आपका आंसर होगा फोर पॉइंट फोर नाइन ओके fact, फैक्ट there आर नो प्लेसेस लेफ्ट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन सच नंबर ऑफ कोई प्लेस लेफ्ट नहीं बैठता तो हम क्या करते हैं हम zeros लगा देते हैं okay? जैसे कि हमें मिल सके चलिए नेक्स्ट बाय अ डेसिमल अभी तो हमने बात की थी कि हमने होल नंबर से कैसे डिवाइड करना है अब डेसिमल से कैसे करेंगे टू डेसिमल बाय अनदर डेसिमल फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड स्टेप वन कन्वर्ट द डिवाइजर इन टू अल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग दोनों ही आपके डेसिमल है तो सबसे पहले आपने जो डिवाइजर है ना यानी कि जिससे आप डिवाइड करते हैं उसे होल नंबर में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे या तो उसको टेन से या हंड्रेड से या थाउजेंड से या टेन थाउजेंड सब मल्टीप्लाई करेंगे ओके एज पर रिक्वायरमेंट एंड फिर जो मल्टीप्लाई करेंगे हम डिविडेंड को सेम नंबर से ओके यानी कि टेन हंड्रेड थाउजेंड ओके और उसके बाद हम नॉर्मली जैसे होल नंबर से डिवाइड किया था ऐसे करेंगे चलिए देखिए जैसे आपके पास एग्जाम्पल है 2.625 को डिवाइड करना है 2.1 से तो सबसे पहले हम डिवाइजर को होल नंबर में चेंज करेंगे

या फिर आप इसे कैसे लिखेंगे अब देखिए अब आपके पास दिस इज डेसिमल नंबर दिस इज आपका होल नंबर आप जैसे होल नंबर से डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे राइट चलिए बाई टेन हंड्रेड थाउजेंड एटसेट्रा वेन डेसिमल इज डिवाइडेड बाई अ नंबर लाइक टेन हंड्रेड थाउजेंड एटसेट्रा शिफ्टेड टू लेफ्ट एज मैनी प्लेस एज देर आर इन द डिवाइजर if the number of digits in the decimal part is less than the number of places to be shifted then zeros are put in and then place the decimal point acha ab jab decimal ko divide karenge 10 100 ya 1000 se to jo decimal point hai na aapka wo shift ho jayega left side ki taraf okay to तो jaise multiplication mein aapne dekha tha multiplication में जो आपका decimal था वो right side आपका shift हो रहा था division में वो left side होगा ओके okay, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं सो योर वी एग्जाम्पल फोर वन फाइव पॉइंट सेवन डिवाइड करना है 10 से तो अब देखिए आपको क्या करना है आपका जो डेसिमल है वो आपका कहां शिफ्ट होगा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्टी वन पॉइंट फाइव सिक्स सेवन राइट और जब आप इस डेसिमल को डिवाइड करेंगे हंड्रेड से okay. अब आपका decimal पे था This one. Okay. अब हंड्रेड है अब आपने क्या करना है इसको टू आप तो आपका आ जाएगा फोर पॉइंट वन फाइव सिक्स सेवन राइट चिल्ड्रन और इसी तरह से जब थाउजेंड होगा तो आपको थ्री प्लेस लेफ्ट साइड में उसको शिफ्ट करना पड़ेगा ओके चल एग्जाम्पल देखते हैं मिस्टर जैन बोर्स सम बैग्स ऑफ सीमेंट 49.7 वीवन द वेट ऑफ ऑल द बैग्स दिस. हाउ मैनी बैग्स डिड ही बाय? मिस्टर जैन ने सीमेंट के कुछ बैग्स खरीदे और हर बैग का वेट था दिस मच तो टोटल जो बैग का वेट था वो इतना आया तो कितने बैग्स उन्होंने परचेज किए तो आप क्या करेंगे सिंपली इस नंबर को डिवाइड कर देंगे

तो आप क्या करेंगे आप जीरोज लगा सकते हैं डिविडेंड के बाद ओके okay? जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए चलिए एक्सरसाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिल इन ब्लैंक्स। डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या होता है आपके देर इज वन जीरो इन टेन तो डिवाइड में आपको पता ना डेसिमल आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है ओके okay? तो आपके पास क्या रहेगा देखिए ये जो पॉइंट है आपका ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 0.09 ओके okay. इसी तरह से आपका देखिए बी पार्ट में आपका 0.92 डिवाइडेड बाय 100 आपका डेसिमल जो है वो आपका कहाँ शिफ्ट होगा टू प्लेस के बाद ओके चलिए फर्स्ट प्लेस तो ये है और सेकंड प्लेस क्या है आपका तो आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं आपका तो ये सेकंड प्लेस द पॉइंट 0092 ओके okay. तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइट right स्टूडेंट अब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है